समुद्र शास्त्र या स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमारे जीवन के अभिन्न अंग माने जाते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार सपने देखना आने वाली घटनाओं की ओर इशारा करता है। सपनों में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि भविष्य के अच्छे संकेतों को दर्शाते हैं, लेकिन इन्हीं सपनों में से कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि आने वाली मुश्किलों का पूर्ण व अनुमान बताते हैं। सपनों की इसी दुनिया को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी महत्व दिया गया है, जिसके अनुसार सपने हमें हमारे भविष्य के बारे में पूर्व सूचना देने का दैवीय तरीका होते हैं। व्यक्ति नींद में कुछ ना कुछ स्वप्न अवश्य देखता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर एक स्वप्न अलग अलग निर्देश देता है। आज हम आपको ऊंट से जुड़े स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो सपने में कुछ जानवरों को देखा अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें सपने में देखना बिल्कुल खराब माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऊंट का सपना उन्हीं सपनों में से एक है जो कि एक अशुभ संकेत देने वाला सपना है। ऊंट को देखना एक शुभ संकेत देने वाला सपना नहीं माना जाता है। सपने में ऊंट देखना शारीरिक कष्टों की पूर्व सूचना देता है। मतलब यह है कि आप यदि सपने में ऊंट देखते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट होने वाले हैं। किंतु दर्शकों, यदि आपने ऐसा सपना देख लिया है तो प्लीज़ घबराइए मत। मैं आपको इस वीडियो में उपाय भी बताने वाली हूँ। अगर आप यह सपना देखते हैं तो सबसे पहला उपाय है कि आपको इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि आपने यह सपना देखा है। आप चाहें तो बोलकर भी बता सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आपने यह सपना देखा है। आप WhatsApp, Facebook, कहीं पे भी जहाँ आपको सही लगे आप शेयर कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके शुभ सपने का फल जो है वह टल जाएगा। तीसरा उपाय है कि आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध या फिर गंगा जल से तो अभिषेक करना अवश्य ही चाहिए, तो आपके अशुभ सपने का जो फल है वह टल जाएगा। चौथा उपाय है कि आप अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको इस सपने का फल कम से कम मिले। लेकिन दर्शकों, जो सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि इफ़ेक्टिव तरीका है, वो आप जितने ज़्यादा लोगों से इस सपने के बारे में बताएंगे उसका परिणाम उतना ही कम हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव ही हंस रहे और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, एक तरीका और है, आप इस कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने यह सपना देखा है, तो भी जितने लोग ये कमेंट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि आपने यह सपना देखा है।